गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 10.3। इसके अंदर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन से पहले आपको इसके लिए डाटा बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। 10.1 और 10.2 में आपको कुछ अगर डाउट्स वगैरह आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 60 पर ईयर, ड्रॉ अ ग्राफ इज रिलेशन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। पहले ना क्वेश्चन में चीज बोली हुई है, हमें क्या बोली हुई है कि आपको हर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे ये ईयर है आपका और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना बढ़ता जाता है। तो हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट है 60-60 रुपए पर ईयर के हिसाब से सम में जुड़ता जाता है। मतलब पहले साल अगर सम था तो उसपे 60 लगा, दूसरे साल पहले वाले का 60 था और दूसरे वाले का 60, 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तीसरे साल वापस 68 होगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। चौथे साल में हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। इस तरीके से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और दोनों के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, कैसे 1, 2, 3, 4, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, और ये कितना कितना बढ़ रहा है 60, फिर 120, फिर 180, फिर 240। तो ये इस तरीके से बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसको आपको अगर जोड़ना है तो इस तरीके से जोड़कर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका ये ग्राफ, ये हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बोला है उसमें हमें बताया गया है The relationship between the perimeter and the square of side given for A, एक तरफ हमें बताना है perimeter है और side of square में, तो एक तरफ आ जाएगी आपकी side और दूसरी तरफ आ जाएगा perimeter। अगर side वाले formula होता है perimeter का 4 into side या 4A, A की जगह हम रखेंगे 1 तो कितना आएगा 4, अगर साइड होगी 2 तो हमारा पेरीमीटर आएगा 8, साइड होगी 3 तो पेरीमीटर आएगा 12, साइड होगी 4 तो पेरीमीटर आएगा 16। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 का मल्टीपल चल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 1 पे 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ये इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कार ड्राइवर चार्जेस 50 एज अ बोर्डिंग चार्ज एंड एडिशनल 6 रुपीस फॉर द एवरी किलोमीटर ट्रेवल, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द फेयर और द डिस्टेंस ट्रेवल। सिंपल सा है, पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, उन्होंने कहा है जो फेयर लगता है वो फेयर कितना होता है। सबसे पहले तो 50 रुपए बोर्डिंग चार्जेस फिक्स है, मतलब चाहे आप गाड़ी में से बैठ के वापस उतर जाओ या यहाँ से थोड़ी दूर भी चले जाओ तो आपको 50 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि 50 रुपए देने के बाद में जो पर किलोमीटर चार्जेस है वो 6 है, और पर किलोमीटर हम मान लेते हैं 1। तो सबसे पहले अगर मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ तो 1 किलोमीटर चलूंगा तो कितना हो जाएगा 50 + 6 × 1, कितना हो जाएगा 6 × 6 = 50, 56, 56 पहला हो गया 56। अगर मैं मानो 2 किलोमीटर तक जाता हूं तो 2 किलोमीटर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F = 50 + 6 × 2, तो 6 × 12, 50 और 12 = 62, 62। फिर वापस से 6 किलोमीटर चलूंगा तो 6 × 18, 50 और 18 = 68, ठीक है। फिर वापस से 6 किलोमीटर जाऊंगा तो 8 और 6 = 14, 74। तो इसी तरीके से ये भी चेंज हो जाएंगे, इसको हम ले लेते हैं
56, 62, 68 और 74, और ये ऐसा का ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर A4 है। A4 है, ट्रेवल्ड कार क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड इन लीटर इज गिवन बाय द रिलेशन D इक्वल टू 20 लीटर, ड्रॉ अ ग्राफ। मतलब कितनी ट्रेवल कर रहा है, एक इस पर ट्रेवल कर रहा है तो उसका 1 किलोमीटर पे 20 लीटर का पेट्रोल डीजल जो भी है वो खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहले उसने बोला था जो कार है वो कितना डीजल कंज्यूम कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम इन लीटर इज गिवन बाय द रिलेशन 20 लीटर, ड्रॉ अ रिलेशनशिप बिटवीन। मतलब 20 लीटर अगर वो कंज्यूम कर रही है तो कितने कितने पर हो सकती है, तो कितने कितने किलोमीटर पर कितना कितना कर सकती है। जैसे मान लीजिए मैं फैक्टर कर देता हूँ इसके 20 के, तो 20 टेन 5 और 1 आ जाएगा। तो मतलब ये इसकी वैल्यू तो थोड़े से अलग होगी इसमें, या तो इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल 20 लीटर पेट्रोल अगर इसमें लग रहा है तो हम यहां पर मान ली 1 किलोमीटर चले तो यहां पे जाके टोटल 20 हो जाना चाहिए। तो कौन सी हो सकती है 5 किलोमीटर, मतलब 1 पर 5 फिर 10 फिर 15। मतलब अगर मान लो 4 किलोमीटर चली है तो टोटल 20 लीटर पेट्रोल लगा है यहां पे। मतलब 1 किलोमीटर पे 5 लगा, 2 किलोमीटर चला तो 10 लीटर लगा, फिर 3 किलोमीटर चला 15 किलोमीटर लगा, 15 लीटर लगा और 4 पे 20। तो इसी तरीके से ये आपकी चेंज हो जाएगी 5, 10, 15 और 20, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में A5, अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय वर्कर नंबर ऑफ आवर्स इज रिलेशनशिप बिटवीन 14 एम, ड्रॉ ग्राफ रिलेशनशिप। इसके बीच में को वही नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स और इनको कितना अमाउंट दिया गया। मान लो टोटल इन्होंने बोले हैं रिलेशनशिप बिटवीन 14 एम, मतलब 40 लोग हैं। तो टोटल 40 लोग अगर 40 रुपए देने हैं या कुछ भी करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो 40 हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार की रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम भाई 5-5 लेकर चल सकते हैं या 10-10 लेकर चल सकते हैं। अच्छा, इसके पहले वाले में हम लोगों को यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ठीक है ना। अब 40 एम अमाउंट इक्वल टू दे रखा था 40 एम, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे केवल एक ही वर्कर होता तो कितना हो जाता 40। अगर मान लीजिए दो वर्कर होते 40 एम का, तो दो वर्कर होते तो 42 80, फिर 4 3 12 120, 4 4 16 160, 160 हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके ये चेंज जाते क्या हो जाते हैं 40 80 120 और 160, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर A6 और A7 आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लस इसके साथ में आप लोगों को मैं इसके सॉल्यूशन भी सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको एक बार प्रॉपरली वॉच कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगा वापस। ठीक है, तो आज के लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, साथ में आपका ये चैप्टर भी पूरा फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।